சாப்பிட்றேன். रुक का इधर बजा चौकीदारी करो, फिलहाल हम व्यस्त हैं। पास कैसे हुई एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने की, वो भी जेल में होते हुए? बहुत दर्द हो रहा है ना, इसको पिटते हुए देख के यहां पे देखते हैं कि तुम्हारे दिल का दर्द बड़ा है या हमारे मन की इच्छा। चल, जो कर सकता। कैसा लगा? मजा आया? अपने हाथ से अपना गला घोट लिया है तुमने। याद रखना इस पल को। क्योंकि ये पल लौटने वाला नहीं है और ना ही तुम्हारी जिंदगी। याद तुम रखना ठकराल, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी ऐसे बहुत खाने वाले हो तुम, करारे करारे अपने जिस्म के हर हिस्से पे। बहुत जी लिए राजा की तरह इस चार दीवारी के बाहर, अब बाकी की जिंदगी यहीं बीतेगी, एक आम दो कौड़ी के कैदी की तरह। तुम्हारे जैसे बाहुबलियों का बल निकालना बहुत अच्छे से आता है हमें। बाहुबली का बल निकालते निकालते बलि चढ़ जाएगी तुम्हारी और जेल में पूरी जिंदगी पुलिस वालों की बीतती है। 3 दिन लगेंगे हमें यहां से निकलने में। कोशिश करके देख लो रोकने की, और इन 72 घंटों के बाद माला गिनना शुरू कर देना।
हर घंटे, क्योंकि तुमको बहुत जल्दी तुम्हारे भगवान के दर्शन होने वाले हैं। लेकिन सिड, तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम्हारे दोस्त बच्चा सिंह का पीछा कर रहे हैं, फिर अभी तक कोई उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाया? मिस रचना, इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है चीजों को होने में। आप देखिए ना, पता नहीं ये बच्चा सिंह कहाँ गायब हो गया। भगवान ही जाने कहाँ गए हैं। कमाल है नहीं, बच्चा सिंह ठकराल से मिलने के लिए रोज जेल में तो जाता ही होगा, किसी को जेल के बाहर खड़ा करना था, इतना सिंपल है। मोहित बाबू, आपको क्या लगता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है क्या? ये कोई चोर पुलिस का खेल नहीं है। सिड, मोहित ठीक कह रहा है, तुमने किसी को भी जेल के बाहर नजर रखने के लिए क्यों नहीं बोला? ये तो सबसे आसान जगह है बच्चा सिंह को पकड़ने के लिए, मतलब पूरी दुनिया जानती है जहाँ ठकराल वहाँ बच्चा सिंह। अब मिस रचना, हमने अपने दोस्तों को बोला है ये सब देखने के लिए, और हमें अभी पता लग ही जाएगा। दरअसल सुबह से हमारी बात नहीं हुई उनसे, इसी वजह से अभी तक कोई खबर नहीं मिली। अब ठहरिए, हम अभी फोन किए देते हैं। इससे अच्छा ना ये काम मुझे देना चाहिए था। वैसे मैं कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ तो करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मैं बहुत फिट डिटेक्टिव हूँ। रहने दो, बैठ जा, आराम कर ले थोड़ी देर। सांस अटक रही मुझे, बहुत घबराहट हो रही है मुझे, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे घर की छत भी गिर जाएगी। तू खाना खा ले, एक थोड़ा कुछ खा लेगी ना तो ठीक लगेगा। पता है खाली पेट एसिडिटी हो जाती बेटा। नहीं, पता नहीं क्या हो गया इस घर को, सब कुछ कितना अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जब पहली बार देखा था उस चिपकली जैसी लड़की को, वो रचना, अरे लड़की क्या है, मकड़ी है मकड़ी। मैं उसी दिन समझ गई थी कि जरूर कोई जादू करेगी इन पे। और जिस दिन उनकी सुनवाई थी, उसे मेरे प्रसाद में मकड़ी गिर गई थी। बहुत बुरा शकुन था दीदी, बहुत बुरा। देख सब ठीक हो जाएगा, तू कुछ खा ले। मैं कह रही हूँ कुछ खा ले तू। कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या
हो गया है। पापा वो जी गए हैं, राइट? अरे, वो कहाँ ऐश कर रहे होंगे? तो हम यहाँ पर भी क्यों नहीं कर सकते? चुप! मुंह बंद कर बदतमीज लड़की! हिम्मत कैसे हुई तेरी ये बकवास करने की? छी! आपने कभी पापा से तो नहीं पूछा होगा ना कि कैसे हस्बैंड हैं आप? बड़े बड़े पावरफुल लोग ऐसी छोटी मोटी हरकतें तो कर सकते हैं। हेलो मिस्टर ठकराल, दिमाग खाना बंद करो नंदा। कहा ना अनु ठीक है, जहाँ पहुंचना था उसको पहुंच चुकी है। वहां पे हमने स्टेट की सारी बॉर्डर्स पे खबर भिजवा दी है, दिल्ली में भी चेकिंग चल रही है। मिसेस नंदा आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द अनु का पता चल जाएगा। अरे मैं घर की चाबी वहीं छोड़ आई, मैं लेके आती हूँ एक मिनट। टकराल मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, या फिर मैं उसकी कोई फोटो देखना चाहता हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। भरोसा नहीं है क्या हमारे ऊपर? नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे आप जैसे ईमानदार लोग भले ही लिप्पुस होते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, लेकिन हमारे धंधे में ईमानदारी का बड़ा महत्व है, समझे आप? भरोसा रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे अनु मैं जब तक अनु नहीं लौट जाती मैं काम पर नहीं आ सकता। हाँ रचना, क्या बात है? सॉरी, चाबी रह गई थी। मिस्टर ठकराल मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अनु कैसी है, वो ठीक है ना? कहां पर हूं? एक्सक्यूज मी, मैं कहां हूं?
लिसन, सुनो ना प्लीज, लिसन, मैं कहां पर हूं? खोलो, कोई है? खोलो, समझ गए ना? जी सर। नंबर लिखो। हर कदम पर राजनीति, कूटनीति, चालाकी, लोग एक दूसरे को छलते हैं, लूटते हैं, फांसते हैं, और इस हद तक कि कभी कभी लगता है इस दुनिया में जीना है तो हमें भी ये सब सीखना पड़ेगा। लेकिन ये सही कैसे हो सकता है? अगर हम वही करें जो हमारा दुश्मन कर रहा है तो हम में और उसमें फर्क क्या हुआ? तब सही और गलत में किसे सफेद कहें, किसे काला? आपको क्या लगता है, क्या हम ऐसी दुनिया में सांस ले रहे हैं जिसमें ईमानदारी, अच्छाई और सच का रास्ता सिर्फ झूठ बनकर रह गया है? सिर्फ एक पुरानी कहानी जिसे अब कोई याद नहीं करता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।